तो अब मेरे ख्याल से हम सेशन शुरू कर सकते हैं। या इज इट यस, वी आर स्ट्रीमिंग? लाइव नाउ। हेलो, मेरा नाम समीक्षा है। मैं धृति में प्रोग्राम मैनेजर हूँ ब्यूटीप्रेन्योर प्रोजेक्ट के लिए। आप में से कई लोग मुझसे पहले भी मिले हैं। आज का हमारा सेशन फेसबुक पर कैसे पेज बनाएं इसके बारे में है। आज की डेट में कोरोना की वजह से फेसबुक पे होना या सोशल मीडिया पे होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। फेसबुक पे होने से आपको कई फायदे हैं। आपका अगर पार्लर का पेज है फेसबुक पे, उसके कई फायदे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अपर्णा जी बताएंगी। अपर्णा जी आज का सेशन लेंगी और हमें बताएंगी कि फेसबुक पे पेज कैसे बनता है। अपर्णा जी, अब आप सेशन शुरू करिए। हाय, हेलो, थैंक यू समीक्षा। तो अपर्णा थोड़ा समीक्षा, और लाउड। अच्छा, जैसे अभी ठीक है? हाँ, तो समीक्षा ने जैसे बताया, तो मैं आपको आज थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ मेरे बारे में भी। मेरा खुद का एक ऐसे एक पेज, फेसबुक पेजेस पे, सोशल मीडिया पेज पे भी मैंने काम किया है। पहले मैं अपनी जो मेरी जॉब थी उसमें मैं छोटे छोटे बिजनेस, जैसे पार्लर हो गया या जो भी, जैसे घर से कोई लेडी कोई काम करती है उनके बिजनेस में हेल्प करती थी। उनकी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे मार्केटिंग कैसे करनी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं और इसके क्या फायदे हैं। आप बिना कुछ पैसे खर्च किए कैसे अपने फेसबुक पे लोगों तक पहुंच सकते हैं और आपके कस्टमर्स बढ़ा सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा लोग सिर्फ फेसबुक के थ्रू आपको कस्टमर, आपका बिजनेस, आपका कैसे आपको और रेवेन्यू, पैसा मिल सकता है फेसबुक से बिना स्पेंड, बिना कुछ खर्च किए। तो मैं आप शुरू करती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन। समीक्षा, अलाउ करना पड़ेगा फॉर दी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैट में लिख सकते हो और लास्ट में प्रेजेंटेशन के बाद आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू समीक्षा ये इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। मतलब अब इसमें सबका म्यूट है, तो मैं ऐसा सपोज करती हूँ कि फेसबुक अकाउंट आप सबका होगा, फेसबुक पे सब लोग होंगे, आपको पता होगा कि फेसबुक अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है। और फेसबुक अकाउंट आपका कुछ इस तरीके से दिखता होगा जैसा ये स्क्रीन पे है। ये ऐसा एक प्रोफाइल पिक्चर होता होगा, यहाँ पर एक आप अपना पिक्चर लगा सकते हो, उस पे आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उसमें ऐसे कुछ ऑप्शंस, ऐसा फेसबुक आपका दिखता होगा। तो ये आपका हो गया फेसबुक अकाउंट। फेसबुक बनने के पीछे, इसके पीछे एक जो इंटेंशन, एक जो फेसबुक के फाउंडर है उन्होंने ये सोच के इसको शुरू किया था कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इसलिए फेसबुक बना था। तो ये पर्सनल चीजों के लिए स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ऐसी जरूरत लोगों को लगी कि हम इसको कैसे बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर आया फेसबुक पेज। फेसबुक पेज अगर आपने देखा हो तो फेसबुक पेज कुछ कुछ ऐसा दिखता होगा। फेसबुक पेज में आपको एक ऐसे अंगूठे का साइन दिखता होगा जहां पर आप उसको लाइक कर सकते हो। ये पर्सनल नहीं होता है, मैं आपको दोनों का डिफरेंस अभी अच्छे से समझाऊंगी। ये पर्सनल नहीं होता है, मैं आपको बस ये दिखाना चाह रही हूँ कि फेसबुक पेज कुछ इस तरीके का दिखता है। हम फेसबुक अकाउंट में लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं और फेसबुक पेज पे हम सीधा अंगूठे का, ये जो अंगूठे का जो साइन है इसको ऐसे प्रेस करके हम इसको लाइक कर देते हैं। हमें इसमें उनका फ्रेंड बनने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे समीक्षा का, मान लीजिए पार्लर है, और मुझे उसके पार्लर में क्या चल रहा है ये देखना है या क्या अपडेट है ये देखनी है, तो मैं ये अगर मैंने उसको लाइक कर रखा है तो मुझे उसके पेज की सारी अपडेट दिखेंगी। तो फेसबुक पेज कुछ ऐसा दिखता है और फेसबुक अकाउंट कुछ ऐसा दिखता है। अब दोनों का डिफरेंस, ये बोल फेसबुक अकाउंट जो है अच्छा आपका, उसमें आप क्या कर सकते हो। तो फेसबुक अकाउंट बेसिकली पर्सनल यूज के लिए यूज होता है, उसमें आपके फ्रेंड्स होते हैं। आप नहीं, उनको पता नहीं, अगर मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आपस में डिस्कस करिए, कोई मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता। किसी का किस ऑडियो ऑन है, प्लीज अपना नाम ऑडियो, से है आईडी आपका? हाँ, राजेश। अपना ऑडियो बंद रखेंगे सब लोग। हेलो। हाँ प्रणाम, प्लीज कंटिन्यू। हम्म,
तो फेसबुक अकाउंट में आपका क्या, फेसबुक अकाउंट का यूज ये होता है कि जैसे मेरा फेसबुक अकाउंट है तो वो मेरा अपना खुद का पर्सनल है, उसमें मैं अपने दोस्त बना सकती हूँ, जैसे मैं अपने दोस्तों को दोस्त उस पे बना सकती हूँ, मेरे कोई परिवार का मेंबर है मैं उसको अपना दोस्त बना सकती हूँ इस पे, इसमें 5,000 लोगों को ही मैं जोड़ सकती हूँ, इसमें 5,000 की लिमिट होती है कि अगर 5,000 से ज्यादा लोग होंगे तो वो फिर मेरे अकाउंट में नहीं जोड़ सकते, लेकिन यही चीज पेज में नहीं होती। इसमें और क्या होता है, मैं अपनी पर्सनल चीजें डाल सकती हूँ, जैसे मैं अपनी पर्सनल फोटो डाल सकती हूँ ताकि वो मेरे फ्रेंड्स को दिखे, ताकि मैं अपने स्टेटस डाल सकती हूँ, अपने कुछ भी, मैं जैसे कहीं घूमने जा रही हूँ उसकी फोटो डाल दी ताकि वो मेरे पर्सनल लोगों को दिखे। तो ये पूरा पर्सनल यूज के लिए हम इसे यूज करते हैं। मेरे किसी फ्रेंड ने मान लीजिए कोई फोटो डाली तो मैं उस पर कमेंट कर सकती हूँ कि ब्यूटीफुल पिक्चर, और ये पूरा पर्सनल यूज के लिए होता है, ठीक है, इसमें लिमिटेड लोग होते हैं। और फेसबुक पेज इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। फेसबुक पेज में आप सबसे पहला डिफरेंस होता है कि ये पर्सनल नहीं होता, ये होता है पब्लिक। जैसे अगर मेरा समीक्षा का पार्लर है और उसका पेज है तो उसको जितने लोगों ने लाइक कर रखा है वो उतने लोगों को वो पोस्ट दिखेगी। अब आप खुद देखिए, अगर आपको ये दिख रहा है तो ये पूजा गोयल खूबसूरत करके एक पार्लर है दिल्ली में, उनका पेज है जिनके पेज पे 54,000, 50,000 से ज्यादा लाइक्स हैं। वही फेसबुक अकाउंट पे क्या होता है, मैं पांच अपर्णा तुम्हारी स्क्रीन दोस्त ऐड कर सकती हूँ, 5,000 लोगों को दिखेगा। हेलो अपर्णा, हेलो हेलो, वॉइस रुक गई। हेलो 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 अपर्णा, या एम आई ऑडिबल समीक्षा? हाँ, यू आर ऑडिबल नाउ, आप प्लीज एक बार दोबारा से रिपीट करो। हाँ, ठीक है। फेसबुक, जस्ट अ मिनट। फेसबुक पेज और फेसबुक अकाउंट के डिफरेंस है। अकाउंट और फेसबुक होता है, या सॉरी, आई थिंक इंटरनेट इश्यूज। कोई बात नहीं। अगर मुझे अपनी कोई, जैसे मैंने कोई स्कीम है, मुझे 1,000 रुपये में मैं कोई स्कीम प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप 1,000 रुपये में 5 चीजें करा सकते हो, कि आप वैक्सिंग करा सकते हो, आप फेशियल करा सकते हो, हेयर स्टाइल करा सकते हो। अगर मैं इतनी अच्छी स्कीम दे रही हूँ और मैंने अगर उसको अपने अकाउंट पे डाला है तो वो उतने ही लोगों को दिखेगा जितने लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। वही चीज अगर मैंने अपने पेज पे डाली है तो वो उतने लोगों को दिखेगा जितने लोगों ने उसे लाइक किया है। जैसे अगर ये पूजा गोयल कुछ चीज डालती होंगी तो वो 54,000 लोगों को कम से कम दिखता होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। इसको हम जैसे बिजनेस के लिए यूज करते हैं कि मेरा कोई बिजनेस है, जैसे मेरा एक कुर्ती का बिजनेस मैं करती थी, तो मैं लोगों को दिखाना चाहती थी अपने फ्रेंड्स के अलावा दूसरों को भी कि मेरे पास कौन कौन सी कुर्तीज हैं। तो उसमें मैं यहाँ दिल्ली से काम करती थी और उसमें बैंगलोर के लोगों ने, साउथ इंडिया, सब इंडिया के सभी जगह से लोगों ने उसको लाइक कर रखा था। तो कोई कहीं से भी कुछ भी चीज ऑर्डर कर देता था। तो इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपका पार्लर जहाँ है उसके आसपास के लोगों को, उससे दूर के लोगों को अगर उन्होंने लाइक किया है तो सभी को ये आपके पोस्ट दिखेंगे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है फेसबुक पेज का। अब इसका जो इम्पोर्टेंस क्यों बनाते हैं लोग फेसबुक पेज, अगर मेरा फेसबुक अकाउंट है तो क्या वो काफी नहीं है, तो क्यों बनाते हैं? इसका रीजन ये है कि एक हमारा होता है फेसबुक अकाउंट, एक होता है पेज। अगर हमारा फेसबुक पेज है
तो हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। अगर हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे तो हमें ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। जैसे मैंने पेज पे कुछ डाला, मैं 50,000 लोगों के पास पहुंच पा रही हूँ, तो 50,000 में से हो सकता है मैं 10 नए कस्टमर्स ले आऊं। नए कस्टमर्स आएंगे तो मेरे को बिजनेस बढ़ेगा, मुझे पैसा मिलेगा, नए लोग मेरे से जुड़ेंगे, मुझसे हो सकता है कोई सीखना चाहे पार्लर का कोर्स, तो अगर वो देखेंगे कि मेरा फेसबुक पेज इतना अच्छा है, लोग इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं, इतने अच्छे अच्छे से पोस्ट हैं, तो वो मुझसे ज्यादा कनेक्ट होंगे। फिर फेसबुक पेज कैसे बनाएं? तो फेसबुक पेज बनाने के लिए ये एक छोटी छोटी सी स्टेप्स हैं, अगर आप इसको लिख लें, वैसे ये प्रेजेंटेशन समीक्षा आपको फॉरवर्ड करेगी, और उसके अलावा ये यूट्यूब पे भी होगा, तो आप ये थोड़ी थोड़ी सी स्टेप्स हैं, अगर आप इसको लिख लें तो अच्छा है, नहीं तो आप इसको ध्यान से देख लें। ये बहुत ईजी है, जैसे हम अपना फेसबुक अकाउंट चलाते हैं उससे भी ज्यादा ईजी है फेसबुक पेज चलाना। तो फेसबुक पेज कैसे बनाना है? फेसबुक पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा लॉगिन। लॉगिन करने के लिए कुछ ऐसा पेज खुलता होगा जैसा आपकी प्रेजेंटेशन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे कुछ ऐसा खुलता होगा। अगर आपने अपना अकाउंट नंबर से बना रखा है तो आप नंबर से यहाँ लॉगिन करो, ईमेल आईडी से बना रखा है तो उससे लॉगिन करो। ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, बेसिक। कुछ ऐसा पेज खुलेगा आपका फेसबुक लॉगिन करते ही। इसमें अगर आप इसे हिंदी में चला रहे हैं, इंग्लिश में चला रहे हैं, तब भी ये जो आपके जहां पे मैंने ये ब्लू मार्क कर रखा है, जहां पे ये तीन लाइंस हैं, ये तीन लाइंस आपको हिंदी इंग्लिश सब में होगी, तो इन तीन लाइंस पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन करा, ये ऐसा अकाउंट खुल गया मोबाइल में, उसके बाद मैंने इन तीन लाइंस पे क्लिक करा। इन तीन लाइंस पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुलेगा जिसमें आपका थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो पेजेस का ऑप्शन आएगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम आएगा, जहां पे ये ब्लू मार्क है, कर्सर है, ये पेजेस का ऑप्शन आएगा, आपको ये पेजेस पे क्लिक करना है। पेज पे क्लिक करेंगे तो अभी हम नया पेज बना रहे हैं, अगर आप में से किसी का अगर पेज है तो वो यहाँ योर पेजेस में दिखेगा, नहीं तो हमें नया पेज बनाना है, तो ये जहाँ ऊपर क्रिएट दिख रहा है ना, क्रिएट पे हम क्लिक करके नया पेज बनाएंगे। यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर एक बार पेज बनने के बाद आपका ये योर पेजेस लिख के आ रहा है, यहाँ पर आपका पेज अपने आप से दिखने लग जाएगा। लेकिन अगर हमें नया बनाना है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो अभी हम नया बना रहे हैं तो अभी हम क्रिएट करेंगे, तो ये क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, नया अगला आएगा आपका पेज स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहली स्टेप आएगी कि आपके पार्लर का नाम क्या है। आपके पार्लर का जो भी नाम है वो आप यहाँ लिखोगे। मैंने ब्यूटी पार्लर नाम एक इसका एक सैंपल ब्यूटी पार्लर से इसको स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर आपका जो भी नाम होगा वो आप लिखोगे। यहाँ पर नाम लिखने के बाद ये फर्स्ट स्टेप है, फिर आप करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपका कुछ इस तरीके का मेन्यू खुल जाएगा। ऐसा मेन्यू खुलने के बाद आपका यहाँ पर ये हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम आएगा, नीचे गेट स्टार्टेड करके लिखाएगा। गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है, हिंदी में ये शुरू करें करके लिख के आएगा और इंग्लिश में गेट स्टार्टेड आएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सेकेंड स्टेप आपकी आ जाएगी। सेकेंड स्टेप में कुछ ऐसा ऐसा खुलेगा जहां पर आपकी बहुत सारी कैटेगरी आएगी कि आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट है, सर्विस है, जैसे ब्यूटी कॉस्मेटिक, तो हमारा ब्यूटी पार्लर है तो हम सिलेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ आएगा ब्यूटी कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर, हम सिलेक्ट ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद ये हमारी सेकेंड स्टेप हो गई, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद हमारा सिलेक्ट हो गया कि भाई हमारा इस नाम से ब्यूटी कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर, इस कैटेगरी में हमारा इस नाम से पार्लर है। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद वो हमसे पूछेगा व्हाट इज लोकेशन, आप कौन सी जगह पे हैं आप। तो जैसे मैंने दिल्ली एग्जाम्पल के लिए दिल्ली यूज किया है, मैंने दिल्ली डाला है, ये थर्ड स्टेप है। तो अब मेरा पार्लर का नाम क्या था, दूसरा कैटेगरी क्या थी, तीसरा लोकेशन, ये जो तीनों मेन चीजें हैं वो तीनों चीजें इसमें आ गई। तो अब मेरा पार्लर दिल्ली में है तो मैंने यहाँ पर दिल्ली डाल के इसको यहाँ पर दिल्ली डालना है, जो भी आपकी जगह हो, जिस भी प्लेस से आप हो उस जगह का नाम डालना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे वो एक कवर फोटो डालने को बोलेंगे, प्रोफाइल पिक्चर। तो आप यहाँ पर एक अपनी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी जो भी, जैसे आपके पार्लर का बोर्ड हो गया, या आप कोई इमेज यूज करते हो, या कोई बहुत सुंदर सी ब्राइड दुल्हन आपने तैयार की हो, या ऐसी कोई चीज हो जो आपको लगता है कि लोग देखेंगे और उस चीज से अट्रैक्ट होंगे, उस चीज से ज्यादा कस्टमर आ सकते हैं,
उस पिक्चर को आप यहाँ पर अपलोड करोगे, तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए वो ऐड पिक्चर बोलेगा और आपको अपने फोन से उसको ऐड करना है। ऐड करके यहाँ सेव करोगे आप उस पिक्चर को, यहाँ से उसको सेव करोगे। इसके बाद आपका कुछ पेज, ये चार स्टेप्स थी स्टार्टिंग की, ये चारों कंप्लीट हो जाएगी। चारों, पहला नाम, कैटेगरी, लोकेशन और प्रोफाइल पिक्चर। ये प्रोफाइल पिक्चर जैसे हम व्हाट्सएप पे अपनी डीपी लगाते हैं ना, बस वैसे समझ लो कि हम अपनी सबसे अच्छी पिक्चर उस पर लगा रहे हैं ताकि वो पिक्चर सबको ऐसे मतलब दिखे। तो ये चार स्टेप्स हो गई। अब पांचवा, हमारा जो पेज है वो कुछ इस तरीके से खुल के आएगा, हमारा पेज एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा। फिर अब हमें इस पेज पे, हमने सिर्फ अभी नाम डाला, अगर लोगों को हम तक पहुंचना है तो हमने और कुछ नहीं डाला, नंबर वगैरह कुछ भी नहीं डाला। अब हमें इस पेज पे सारी चीजें ऐड करनी है, तो आपका पेज कुछ ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब आपको इसमें सारी डिटेल्स डालनी होंगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर जब ऐसा पेज खुल जाएगा तो ऊपर आपका यहाँ पर एक मोर करके ऑप्शन आएगा, मोर, तीन डॉट्स बने आएंगे, उसके बाद मोर लिखा आएगा। हिंदी में भी ऐसे ही आएगा, इंग्लिश में भी ऐसे ही आएगा। हिंदी में बस यही चीज आपकी हिंदी लैंग्वेज में लिखी आएगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट कुछ ऐसा पेज खुलेगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन हमें शुरुआत में इन ऑप्शंस से कोई भी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो काम है उसमें आपका नीचे, जब आप इसमें नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एडिट पेज इन्फो, ये आएगा आपका एडिट पेज इन्फो। हिंदी में कुछ आएगा कि पेज को एडिट करें, ऐसा करके कुछ आएगा, उसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। किसी के कोई सवाल हो तो चैट में लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, या अपना हाथ उठा लीजिए, मैं दो मिनट देख लेती हूँ अगर किसी को कुछ पूछना है तो। किसी का कोई डाउट आप वरना सेशन के एंड में भी पूछ सकते हैं। आई थिंक अभी अपना आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, जब हम ये एडिट पेज इन्फो यहाँ पर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, तो हमें अपनी पेज की छोटी छोटी सी जानकारी जो लोगों को होनी चाहिए या कोई हम तक पहुंचे कैसे, वो चीज पता, उन्हें कैसे पता चलेगा नंबर क्या है, तो हम वो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालेंगे। तो जैसे मैंने ये ओपन किया तो सबसे पहले मेरा नाम, तो अगर मुझे अपना नाम चेंज करना है पेज का, जैसे मैंने ब्यूटी पार्लर डाला, अब जैसे किसी का, जैसे वो पूजा गोयल खूबसूरत था, तो वो ऐसे वो यहाँ पर, यहाँ ही पर उसका नाम डलता है। अगर आपका नाम चेंज होता है या आपको नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हो। कैटेगरी आपकी सेम रहेगी, कैटेगरी जो हमने पहले डाली थी, ब्यूटी, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर, यही डलेगी यहाँ पर। फिर कवर पिक्चर, आपको कवर पिक्चर लगानी है, तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में कोई जैसे सुंदर सा किसी को तैयार किया है, उसकी फोटो लगाई है, या कोई आपके मेकअप की पिक्चर लगाई है, कोई हेयर स्टाइल की पिक्चर लगाई है, तो कवर फोटो में वो डालते हैं। जैसे अगर हम पेज जैसे ही खोलते हैं, सबसे पहले हमें बड़ा सा कवर पिक्चर दिखता है। कवर पिक्चर में जैसे पूजा गोयल का पेज दिखाया था मैंने आपको, तो उसने वो फोटोज डाल रखी थी, उसको जहाँ कोई अवार्ड मिला है, वो चाहती है लोगों को उसके अवार्ड मिलने की पिक्चर दिखे, ताकि लोग ज्यादा उसके पेज से, ऐसे ज्यादा उसके पेज की तरफ आए, ज्यादा कस्टमर्स मिले, क्योंकि सबको पता लगेगा कि इनको हाँ इस चीज में अवार्ड मिला है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तो जो भी आपको लगता है कि जो भी पिक्चर आपकी बेस्ट है, या आपके बोर्ड की ही पिक्चर हो गई, आपके पार्लर की पिक्चर हो गई, कोई भी पिक्चर आप कवर फोटो में डाल सकते हैं जो लोगों को सबसे पहले दिखेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डालना है, तो डिस्क्रिप्शन आप बाद में भी डाल सकते हैं, एक बार आपका पेज चालू हो जाए उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको ये डालना है कि आप क्या करते हैं, आपका मतलब क्या काम क्या है, आप क्या करते हैं, वो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत बताना है लोगों को। लेकिन ये जब आपका पेज स्टार्ट हो जाए, आपको 100-150 लाइक्स मिल जाए, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है फोन नंबर। उसके बाद आपको इसी के नीचे, आप जब नीचे जाते जाएंगे अपने इस पेज में, जब इंफॉर्मेशन डालेंगे तो नीचे आपका आएगा ऐड फोन नंबर। आपको यहाँ पर अपना फोन नंबर ऐड करना है। यहाँ पर आपका जो भी व्हाट्सएप का नंबर हो या जो ऐसा नंबर हो जो आपका अवेलेबल रहता हो, ऐसा नहीं हो कि आप फोन कर रहा है कोई और आप हो ही नहीं उस फोन को उठाने के लिए, वैसा नंबर मत डालिएगा, ऐसा जो अवेलेबल रहता हो वो आपको फोन नंबर यहाँ डालना है। अगर आपकी कोई ईमेल आईडी है, आप चलाते हैं, आप उस पे एक्टिव है, तो ईमेल आईडी, वरना फोन नंबर काफी है।
फिर लोकेशन डालनी है, तो जो आपके फोन से एग्जैक्ट लोकेशन आपको आपकी यहाँ डालनी है, आप लोकेशन डालेंगे तभी पता चलेगा कि ये किस एरिया के पास में ये पार्लर है। तो इतना डाल के आपको इसको सेव करना है, इससे आपकी बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पेज पे चली जाएगी। इसके बाद एक चीज और आएगी इसमें, आप कितने आवर्स, कब तक कब कब अवेलेबल हो। तो अगर जैसे किसी का पार्लर होता है कि वो सुबह से शाम तक खुला है, तब तो आप इसमें अवेलेबल एनी टाइम कर सकते हो, एक ऑप्शन आएगा अवेलेबल एनी टाइम। अगर आपका फिक्स टाइमिंग है कि हाँ मैं 12 से 4 ही पार्लर खोलती हूँ, तो यहाँ पर आप एड, ये आपका ये यहाँ एड ऐसे एड टेम्पररी सर्विस चेंजेस ये आ रहा है ना, यहाँ पर आप क्लिक करके अपना 12 से 4 का टाइम फिक्स कर सकते हो। वहां पर लिखा आएगा, आप 12 से 4 बजे का टाइम सिलेक्ट करोगे तो वो आपके फेसबुक पे दिखा देगा कि हाँ ये 12 बजे से 4 बजे तक खुला है, उसके बाद और उसके पहले ये बंद है। तो ये इतना आपको बेसिक बेसिक सा कुछ डाल के आपका पेज सेव करना है, इतना आपको करके इससे आप लोग आप तक इजीली आराम से आप पोस्ट डालना शुरू करोगे तो वो आप तक आराम से पहुंच सकते हैं, इतना आपको करना है। तो आपका पेज कुछ जब बन जाएगा तो वो आपको जो मैंने पूजा गोयल का पेज दिखाया वैसा कुछ दिखने लग जाएगा। अब हमने इतना कर दिया, इन्फॉर्मेशन डाल दी, पेज बना दिया, नाम क्या है ये डाल दिया, हम कहाँ से हैं, नंबर क्या है, लोग कैसे पहुंचे, ये सारी चीज हम डाल चुके हैं। अब हमें पोस्ट डालना है ताकि हम उस पेज को थोड़ा एक्टिव कर सके, लोग जब भी वो पेज देखें तो कि हाँ ये पार्लर एक्टिव है, काम करता है, तभी तो लोग लाइक करेंगे। अगर उस पर कुछ नहीं होगा, ब्लैंक होगा, वो कुछ भी पोस्ट नहीं होगी, तो कोई उसे लाइक क्यों करेगा उस पेज को। तो अब हमें पोस्ट डालनी है। पोस्ट डालने के लिए जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन सब सेव कर देंगे तो कुछ जब पेज खुलेगा तो यहाँ पर एक पोस्ट का ऑप्शन आएगा, पोस्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है जहां आपको पोस्ट डालनी है। अब आपको पोस्ट क्या डालनी है, पोस्ट जो आपकी पहले की कोई पिक्चर्स, आपके पास कुछ ऐसी पहले की चीजें हो वो आपको डालना शुरू करनी है, जिससे आपका पेज स्टार्ट हो जाए। अगर आपके पास पुरानी कुछ चीज नहीं है तो आप जो नया आप किसी को तैयार करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको सबसे सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको इतने अच्छे पिक्चर्स क्लिक करने हैं कि उसको आप आराम से फेसबुक पे डाल सकें। तो जब भी आप किसी को तैयार करो तो आप उनके अच्छे पिक्चर्स क्लिक किया करो, उसको आप फेसबुक पे डालोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस पेज की तरफ, आपके बिजनेस की तरफ आएंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको कस्टमर्स मिलेंगे इसमें। तो अब आप पोस्ट कैसे करते हैं, तो पोस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आपका पोस्ट डालना है। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने मेकअप किया, तो आप ऐसे छोटा सा कंटेंट डाल सकते हो कि मेकअप, जैसे समीक्षा का मान लीजिए पार्लर है, तो समीक्षा अगर कुछ पोस्ट करेगी तो वो डालेगी मेकअप बाय समीक्षा, या ऐसे कुछ भी ऐसे छोटा सा कि जैसे फेयरवेल या पार्टी मेकअप किया तो पार्टी मेकअप बाय समीक्षा, ऐसे करके फिर मैं यहाँ पे फोटो का ऑप्शन आएगा, उन फोटो को अटैच करके और यहाँ से उसे शेयर कर दूंगी, तो वो पोस्ट मेरे पेज पे वो पोस्ट दिखने लग जाएंगे। अब देखिए एक सैंपल है, ये किसी एक पार्लर का पेज है जिसमें लोग उन्होंने अपने किसी लड़की को फेयरवेल के लिए तैयार किया है, उसकी फोटो डाली है, तो तीन फोटो डाली है और उन्होंने यहाँ एक छोटा सा लिखा है फेयरवेल, बस ऐसे करके उन्होंने एक पोस्ट डाली है कि इससे ये मुझे पता चल रहा है, मैं जब भी ये पेज विजिट, जब भी मैं इस पेज पे आऊंगी, कुछ कुछ ऐसी बेसिक चीजें, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं कि आपको पेज स्टार्ट करना है तो क्या क्या पोस्ट डालनी है या क्या क्या पोस्ट आपको डालनी चाहिए। तो जैसे हमें पोस्ट क्या डालनी है, आपके पास जितने भी आप दुल्हन को ब्राइड को तैयार करते हो उनके फोटो, उनकी मेकअप की फोटो वीडियो, ये जो भी है ये आप इस पे डाल सकते हो, उनकी फोटो उसके साथ आप कुछ भी छोटा सा कि मेकअप बाय समीक्षा, मेकअप बाय अपर्णा, ये आप उस पे आराम से डाल सकते हो। फिर जैसे किसी को पेज पे मैं फेस्टिवल के लिए, त्योहार के लिए विश कर रही हूँ, जैसे अभी राखी गई, हैप्पी राखी टू जितने भी लाइक किया हुआ है सभी को हैप्पी राखी, तो वहां पे हैप्पी राखी का पोस्ट जा सकता है। फिर पार्टी मेकअप किसी का किया है, किसी का फेयरवेल पे किया है, हेयर स्टाइल बनाई है, कुछ भी ऐसी चीज की है जो मुझे लगता है लोगों को पता होनी चाहिए, उसके अच्छे फोटोज क्लिक करके मैं अपने पेज पर डाल सकती हूँ। उससे क्या होगा, जितने लोगों को वो दिखेगा वो ज्यादा से ज्यादा लोग उस पेज की तरफ, आपकी उस पोस्ट की तरफ आएंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको बिजनेस मिलेगा।
फिर आपके कुछ अगर ऑफर्स आप चलाते हैं तो पहला तो आप ये जो मेकअप करते हैं जितनी सर्विसेज है उनके फोटोज डाल सकते हैं। दूसरा अगर आप कोई ऑफर चलाते हैं, जैसे मैंने देखा है ऐसे पार्लर्स में ऐसे ऑफर्स चलते रहते हैं कि आप 1,000 रुपए में इतना करा सकते हो, 500 रुपए में इतना करा सकते हो, तो आप पोस्ट में ये लिख सकते हो कि 500 रुपीज ये सर्विसेज, 500 रुपीज में आपका इतनी सर्विसेज हैं, फेशियल है, मेकअप है, ये सारा कुछ है, और ये ऑफर जैसे 1 मंथ के लिए एप्लीकेबल है तो फॉर 1 मंथ, ऐसे करके आप जो भी ऑफर्स आपके आते हैं वो आप इसमें डाल सकते हो। थर्ड, वीडियो। आप ना जब भी कोई दुल्हन को तैयार करते हो या कोई मेकअप करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप उसकी ब्राइड की या किस जैसे किसी का फेयरवेल मेकअप किया है तो उनकी एक छोटी सी 20 सेकेंड 30 सेकेंड की वीडियो बनाकर आप अपने पेज पे डाल सकते हो। अगर किसी दुल्हन को, ब्राइड को आपका मेकअप ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो आप उनको एक छोटी सी फीडबैक वीडियो भी बनवा सकते हो जिसमें वो ये बता रहे हैं कि आपका मेकअप बहुत अच्छा है, आपका पार्लर बहुत अच्छा है, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। तो ये छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने पेज पे डालोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पेज को लाइक करेंगे और ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। सबसे जो बड़ा फायदा है इस फेसबुक पेज का कि आपको आपके एरिया के बहुत सारे कस्टमर्स मिलने लग जाएंगे। आप इसको अगर एक्टिवली चलाएंगे तो आसपास के लोग लाइक करेंगे, देखेंगे आप कैसी सर्विसेज दे रहे हो, क्या नया नया करते हो, तो लोग ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ सीखने वाले भी आने लग जाएंगे और कस्टमर्स भी आने लग जाएंगे। उसके बाद आप और अपने पोस्ट को और ज्यादा एक्टिव करने के लिए क्या कर सकते हो, तो आप उसमें अपने हैशटैग्स यूज कर सकते हो। हैशटैग क्या होते हैं? अब आपने जैसे ये पोस्ट देखा, इसमें हैशटैग यूज किया हुआ है फेयरवेल के बाद शी लुक्स हैशटैग, इसको हम हैश बोलते हैं, ये जो साइन बना हुआ है हैशटैग बोलते हैं इसको। इसमें जैसे शी लुक्स प्रिटी ऐसे करके यूज किया हुआ है, तो कुछ बेसिक हैशटैग हैं जैसे कि आपका पार्लर, फेयरवेल, ब्यूटी पार्लर, फिर जैसे आपके पार्लर का नाम, आपके पार्लर की लोकेशन, ये सारी चीजें आप ऐसे हैशटैग करके, हैशटैग में आपका स्पेस नहीं होता है, पूरा एक साथ होता है, जैसे अपर्णा ब्यूटी पार्लर, तीनों वर्ड एक साथ होंगे, तो हैशटैग करके ऐसे कुछ आप वर्ड्स लिख सकते हो। तो जब भी मैं जैसे ब्यूटी पार्लर सर्च करूंगी फेसबुक पे तो आपकी पोस्ट कहीं ना कहीं दिखने लग जाएगी कि हाँ आपने हैशटैग यूज करके ब्यूटी पार्लर किया है, यूज ब्यूटी पार्लर सर्च किया है और मैंने वो ब्यूटी पार्लर। हैशटैग यूज किया, मेरा पोस्ट दिखने लग जाएगा, इसका मतलब उन्हें मेरा पेज दिखने लग जाएगा और वो उसे लाइक कर सकते हैं। अपना लास्ट पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा वीडियो अटक गया था हैशटैग। अच्छा ठीक है ठीक है। बेसिकली हैशटैग में क्या होता है, जैसे आपको ये पोस्ट दिख रहा है इसमें हैशटैग यहाँ पर यूज किया हुआ है, जैसे शी लुक्स पहले लिखा हुआ है फेयरवेल, फिर शी लुक्स ऐसे करके हैशटैग लिखे हुए। मैं आगे आपको और हैशटैग दिखाऊंगी। तो हैशटैग में इसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि हैशटैग अगर कोई यूज कर रहा है तो अगर मैंने हैशटैग ब्यूटी पार्लर, मेरा पार्लर है, मैंने अपने पेज पे लिखा है हैशटैग ब्यूटी पार्लर, अब अगर आप कस्टमर हैं, जैसे समीक्षा कस्टमर है और समीक्षा ब्यूटी पार्लर सर्च कर रही है फेसबुक पे, तो उसके सर्च के जो रिजल्ट आते हैं ना नीचे, उसमें कहीं ना कहीं मेरा पेज दिखने लग जाएगा, मेरा वो पोस्ट जिसमें ब्यूटी पार्लर लिखा हुआ है वो अपने आप से दिखने लग जाएगा। तो हैशटैग यूज करने के ये फायदे होते हैं, इसलिए लोग, आपने देखा होगा बहुत सारी पोस्ट में ऐसे हैशटैग यूज कर करके ऐसे छोटे छोटे से कंटेंट लिख देते हैं। ये इसका फायदा यही होता है कि जब कोई भी सर्च करे तो हमारा पेज दिखने लग जाए वहां पर। फिर हम ना उनको टैग भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पार्लर में कोई तैयार होने आ रहा है तो आप जैसे टैग पर्सनल अकाउंट पे भी करते होंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जैसे टैग कैसे कर सकते हैं कि आपके पार्लर पे कोई तैयार होने आ रहा है, जैसे समीक्षा के पार्लर पे मान लीजिए मैं गई हूँ तो वो मुझे टैग कर सकती है मेरा फोटो डालने के बाद। ये एट द रेट का साइन होता है, एट द रेट ऐसे लगाकर, और मेरा नाम लिख सकती है एट द रेट अपर्णा अग्रवाल, तो मैं आऊंगी रिजल्ट में, वो मुझे मेरे अकाउंट को सिलेक्ट करके टैग कर सकती है। तो उससे क्या होगा, मेरे अकाउंट पे भी समीक्षा के पेज का पोस्ट दिखने लग जाएगा कि हाँ मैं समीक्षा, मैं अपनी शादी में समीक्षा के पार्लर पे तैयार हुई हूँ, तो मेरे पेज पे भी दिखने लग जाएगा और मेरे लोगों को भी दिखेगा। हो सकता है मैं समीक्षा के एरिया में रहती हूँ तो उन लोगों को भी वो पोस्ट दिखने लग जाएगा। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो लोग ऐसे पेजेस पे डालते हैं। जैसे शुरू में जैसे मैंने आपको बताया कि मेकअप बाय
मेकअप बाय जो भी आपका नाम है, पार्लर का नाम है, मेकअप बाय दिस पार्लर, ऐसे करके डाल के लोगों ने देखो ऐसे हैशटैग यूज कर रखे हैं। तो ऐसे ब्राइडल लुक, मेक ओवर, मेकअप, ब्यूटी पार्लर, बेस्ट ब्यूटी पार्लर, आपके जो भी पार्लर का नाम है वो हैशटैग पे यूज कर सकते हो। तो ऐसे टैग्स आप यूज कर सकते हो जो कि आपकी पोस्ट को आराम से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देंगे। जैसे ये लोगों किसी ने डाला हुआ है किसी पार्लर ने, उसमें देखिए कितने सारे हैशटैग यूज कर रखे हैं। अब जो भी ये नाम सर्च करते होंगे उन्हें ये पोस्ट दिखती होगी। इसमें देखिए उन्होंने चार अलग अलग फोटो एक ही अलग अलग शेड में, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में, फिर अलग जगह फोटो क्लिक कर करके डाल रखे। तो आप जितने ज्यादा हो सके उतनी अच्छी फोटो क्लिक करके आप अपने पेज पे डाल सकते हो। फिर देखिए बिफोर आफ्टर, ये मोस्टली पार्लर वाले करते हैं, तो आप अपने जिनको तैयार करते हैं उनसे परमिशन लेके कि हम आपका ऐसे बिफोर आफ्टर पिक्चर डाल सकते हैं क्या, और अगर वो बोलते हैं कि हाँ आप डाल सकते हैं, तो आप ये बिफोर का पिक्चर और ये आफ्टर का पिक्चर ऐसे डाल सकते हो। इसमें देखिए उन्होंने कितने सारे हैशटैग यूज किए हैं और ऊपर अपना थोड़ा सा जो भी कंटेंट लिख दिया है कि एलिगेंट ब्राइड या ब्यूटीफुल ब्राइड या ऐसे, आप कुछ भी छोटा सा कंटेंट लिख के हैशटैग लिख के बिफोर आफ्टर डाल सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक पहले वाली जितने भी आपने मेकअप किए हैं उनके या कुछ मेकअप के कुछ भी फोटोज हैं या कुछ भी है, तो आप अपना पेज स्टार्ट कर सकते हो और ये डालना आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि लॉकडाउन में जितना जो आता है उसके नए पिक्चर्स क्लिक करके आप स्टार्ट तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पुराना है तो उससे आप इसको शुरू कर सकते हो। क्योंकि अभी आप आराम से घर पे इस चीज को मैनेज कर सकते हो कि हाँ जब तक ये चीज चल रही है तब तक आपका पेज अच्छे से एक्टिव हो जाएगा। देखो ये एक सैंपल है, ये भी किसी, ये नया नया ही किसी का पेज है, उसने भी गर्ल ऐसे करके डाल रखा है, हैशटैग ब्राइडल लुक और ये दो फोटोज डाल रखे हैं। तो ऐसे आप पोस्ट डाल सकते हो। अब आपके पेज, अगर मैंने आपका पेज लाइक कर रखा है तो मुझे ऐसा कुछ आपका पोस्ट दिखेगा जिसपे मैं लाइक कर सकती हूँ, कमेंट कर सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ। अगर आपका नंबर डला हुआ है तो मैं आपको फोन कर सकती हूँ कि हाँ मुझे भी ऐसा जो भी है मेकअप कराना है या क्या चार्जेस हैं, या मैं यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। और मैं आपको पर्सनल फेसबुक पे मैसेज भी भेज सकती हूँ कि मैसेज से भी आपसे जानकारी ले सकती हूँ कि आपका जो भी मुझे जानकारी लेनी होगी। तो मेरे लिए नंबर डालने से ये चीज इजी हो गई कि मेरे तक लोग आराम से पहुंच सकते हैं। इसके बाद अब जो पेज को, जो चीज पेज को बहुत ज्यादा अच्छा मतलब एक वो देती है वो है रिव्यू, कि अगर मेरे इस पे ज्यादा रिव्यू होंगे अच्छे तो ज्यादा लोग मेरी तरफ आएंगे। रिव्यू में क्या होता है, जैसे हम रिव्यू देते हैं ना किसी को कि हाँ ये पेज या कि हाँ यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो हम ऐसे डायरेक्ट अगर फेस टू फेस एक दूसरे के सामने बोलते हैं, वही चीज फेसबुक पे क्या होती है कि हम वहां जाकर कस्टमर से लिखवा लेते हैं कि अगर उन्हें अच्छा लगा तो आप हमारे पेज पे प्लीज एक लाइन लिख दो कि हाँ इनकी सर्विसेज अच्छी है, या मैंने इनसे ब्राइडल कराया था, मुझे इनका ब्राइडल बहुत अच्छा लगा, या जो भी है ऐसे करके आप मेरे पेज पे रिव्यू दे दो। तो हमारा पेज, हम अगर पेज के पेज हमारा है तो हमें, हम अपने आप को रिव्यू नहीं दे सकते, तो हमें जब रिव्यूज हम देखेंगे तो हमें हमारे नए पेज में स्टार्टिंग में हमें रिव्यूज में कुछ भी नहीं दिखेगा, नो रेटिंग ऐसे करके दिखेगा। लेकिन कस्टमर के पेज पे जब कस्टमर के फोन से आप ये खुलवाएंगे तो उसके पेज में, जैसे ये पूजा गोयल का पेज है, तो उनके रिव्यू यहाँ से देखिए, आप उनके रिव्यू चेक कर सकते हो। जब आप यहाँ अलग अलग ऐसे टैब देखोगे तो यहाँ एक रिव्यू आएगा। रिव्यू में देखिए इनको यहाँ पे आप 5 स्टार्स के ऑप्शन भी आएंगे। जब आप इसको यहाँ पर, आपको अगर कोई आपको रिव्यू देना चाहता है तो ऐसे आएगा, डू यू रेकमेंड ऐसे करके आएगा, तो आपको यस करवाना है उससे। और देखिए यहाँ किसी ने दे रखा है सच अ ग्रेट प्लेजर ऐसे करके, किसी ने मैम अमेजिंग अकेडमी, तो इन्होंने जिसने भी रिव्यू दे रखा है इन्होंने इनसे कोर्स सीखा है, तो इन्होंने लिखा है कि मतलब इन्हें अच्छा लगा तो इन्होंने आकर रिव्यू दे दिया उस चीज का। और कुछ लोग स्टार 5 में से कितने की, हाँ इनकी सर्विसेज ऐसी है कि मैं 5 स्टार में से 2 स्टार इन्हें दे सकती हूँ, या 3 स्टार या 5 में से 5। तो हमें ये रिव्यू डालने से क्या होगा कि मेरे लिए मान लीजिए ये पेज नया है, अब मैं इस चीज को कैसे चेक करूँ कि ये कैसी सर्विसेज देती है। इन्होंने तो फोटो डाल के बता दिया कि ये बहुत अच्छी सर्विस देती है, लेकिन जब तक कस्टमर से पता नहीं चलेगा ये कैसी सर्विस देती है, तब तक मैं श्योर कैसे हूँ, मैं अपने 5,000 रुपए कैसे इनको दे दूँ कि हाँ भाई मेरी शादी का मेकअप आप कर देना, मैं आपको 5,000 दे दूंगी। वो चीज आपको यहाँ से पता चलेगी, जिन्होंने ऑलरेडी पहले कभी करा रखा है उनसे आप रिव्यू ले सकते हो। अगर किसी को आपकी सर्विसेज अच्छी लगी, वो आपसे बोल रहा है कि अच्छी है, तो आप उनके फेसबुक पे उनसे आपका पेज खुलवाओ, आपका पेज जिस नाम से होगा वो सर्च में डालेंगे तो आपका पेज आ जाएगा, उसमें आप रिव्यू में जाकर उनसे आप तुरंत उनसे रिव्यू ले लो कि उन्हें सर्विसेज और सारी चीजें कैसी लगी। उससे जो आपके नए कस्टमर्स आना चाहेंगे वो आपके रिव्यूज देखकर ही आ जाएंगे कि इनके रिव्यूज ही इतने अच्छे हैं, इनको लोगों ने
इतने अच्छे स्टार्स दे रखे हैं या इतने अच्छे कमेंट हैं इनके पेज पे कि हमें इनसे सर्विस लेने में कोई हम इनसे सर्विस लेंगे तो हो सकता है कि ये हमें भी इसी तरीके की सर्विस दे जिसमें हम इतना ज्यादा खुश होकर जाएं या ऐसे, तो वो आपका रिव्यू से पता चलता है। ये आपके पेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पता नहीं चलेगा जब तक ये नहीं होगा कि हाँ लोगों को कैसा लग रहा है, मतलब नए कस्टमर्स नहीं बन पाएंगे अगर आप रिव्यूज नहीं डलवाएंगे तो। फिर अब रिव्यूज की एक जो बेसिक चीज होती है पेज बनाने के लिए, तो जब हम पेज बनाते हैं तो होम जब हम पेज ऐसी स्टार्ट करेंगे तो नीचे यहाँ पर आपका लिखा आएगा इनवाइट फ्रेंड्स, मित्रों को आमंत्रित करें, ऐसे करके ऑप्शन आएगा। आपको इसमें लोगों को इनवाइट करना है। आप लोग कौन होंगे? आपके फ्रेंड्स, जैसे आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपका पेज लाइक नहीं किया है आप उन्हें इनवाइट कर सकते हो। अब जैसे मेरे मान लीजिए फेसबुक पे 800 फ्रेंड्स हैं, तो मैं जब इनवाइट फ्रेंड्स करूंगी तो मैं किन्हें इनवाइट करूंगी? जो मेरे फेसबुक अकाउंट पे फ्रेंड्स हैं उन्हें मैं इनवाइट करूंगी कि मेरा ऐसा ऐसा पार्लर है, तुम मेरा पेज लाइक करो। अब वो पेज लाइक करेंगे, इससे क्या होगा, मेरे पेज पे लाइक्स दिखने लग जाएंगे कि हाँ 800 में से 100 लोगों ने लाइक कर दिया तो मेरे पेज पे 100 लाइक्स हैं, तो मैं लोगों को इनवाइट करूंगी। इनवाइट करने के लिए मैं इस पे क्लिक करके नेक्स्ट आएगा ये ऐसा कुछ टैब आपका खुलेगा। आपको क्या करना है, जब आपका पेज शुरू शुरू में नया बना रहे हो तो सिलेक्ट ऑल, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करना है। जब मैं सिलेक्ट ऑल करूंगी तो सारे ऐसे सिलेक्ट हो जाएंगे, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरे 800 के आसपास फ्रेंड्स हैं तो वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर मुझे उन्हें सेंड इनवाइट, यहाँ से उन्हें इनवाइट सेंड कर देना है। जब मैं ये कर दूंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मेरा पेज है और उनके प्रोफाइल पे दिखने लग जाएगा, वो खुद से आपका पेज लाइक कर देंगे। तो ये एक छोटा सा स्टार्ट करने के लिए, आई थिंक ऐसे आपको स्टार्ट करना है आपका पेज। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। किसी के भी कोई डाउट हो तो अपना माइक खोल के पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके, या चैट पे पूछ सकते हैं। हेलो, इन्हें पेज बनाना हो या किसी को पेज बना हो और कुछ फीचर ना समझ आ रहा हो। किसी के भी कोई डाउट्स नहीं है, सबको सब समझ आ गया। अगर आप यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। अपना एक बार आप अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर सकती हैं। हाँ, मैं एक ग्रुप पिक्चर लेना चाह रही थी। ठीक है। क्या सब लोग अपने वीडियोस खोल सकते हैं एक बार? जिसका भी वीडियो खोल, कोई अपना वीडियो खोल सकता है? हाँ, थैंक यू। मैं एक पिक्चर लेना चाहती हूँ हम सभी की। अभी किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो अपर्णा जी से पूछ लीजिए। वैसे इन्होंने जो प्रेजेंटेशन आपको दिखाई थी ये हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और ये वीडियो जो है हमारी यूट्यूब पे भी जाएगी, तो यूट्यूब पे भी आप एक बार देख सकते हैं। जैसे अभी तुरंत शायद आपको बहुत सारी बातें याद ना रहे तो आप उसको यूट्यूब पे भी हम लोग ये वीडियो अपलोड, आवाज नहीं आ रही मैम, पे आप देख सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मैम? नहीं आ रही आपकी आवाज? अभी आ रही है आवाज? हाँ जी। हाँ, मैं बोल रही थी किसी के कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं अपर्णा से। इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिखाई थी वो आपके साथ हम व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। ये जो इन्होंने बताया है ये हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, तो हो सकता है आप अभी तुरंत पेज आपका ना हो या आपको पेज बनाने में एक दो दिन लगे और उस टाइम पे आपको दोबारा मदद की ज़रूरत हो, तो आप उस टाइम पे यूट्यूब से भी देख सकते हैं और हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैम, जैसे कि फेसबुक ऑलरेडी है और उस पे जैसे पार्लर का भी नाम मेंशन किया है, तो क्या फिर दोबारा से फिर एक पेज और बनाएं?
फेसबुक अकाउंट है आपका या पेज है? मैम अकाउंट है, पेज तो नहीं आई थी। अच्छा फेसबुक अकाउंट है जो आपका पार्लर का अकाउंट है? हाँ मतलब नाम के साथ ऐड किया हुआ है पार्लर। अच्छा तो मैं इस पे बोलूंगी कि आपको पेज सेपरेट बनाना चाहिए रश्मि जी, क्योंकि क्या होता है जो आपका अकाउंट है वो सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, लेकिन जो आपका पेज है वो पब्लिक होता है, अकाउंट हाँ, आपका प्राइवेट होता है। एक बार हाँ अपर्णा जी जी थोड़ा और समझाएंगी। हाँ बोलिए। जैसे अगर आपने पेज बनाया है ना, तो पेज में क्या होगा, आप वही पोस्ट, आप जो भी पोस्ट आप अपनी अकाउंट पे डालते हो, उसमें अगर आपने कोई हैशटैग यूज किया जो मैंने आपको बताया, तो वो उतने ही लोगों को दिखेगा जो आपके फ्रेंड्स हैं। हाँ एक ना मैम लेकिन और भी कुछ, जैसे पेज मैंने शायद बनाया था बट वो जो फेसबुक वालों की तरफ से ना मुझे कुछ एक अमाउंट में दिखा रहा था कि आपको ये पे करो तो आप और ज्यादा से ज्यादा आपकी शेयर मतलब होगा, हाँ, आप तो दिखोगे। वो फेसबुक दिखाता है कि आप ये पैसे देकर कैसे प्रमोट करो, लेकिन वो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आता है ना, तो आप उसको स्किप, एक स्किप करके या एक क्रॉस बना हुआ, एक ऐसे क्रॉस बना हुआ आता होगा, उसको कर देंगे या कैंसिल कर देंगे, तो वो अपने आप हट जाएगा। हाँ क्योंकि मेरे पास ना वो उनका नोटिफिकेशन जो होता है ना वो बार बार आ रहा है, और वो वो मैंने क्योंकि आता है। हाँ वो पिक्स वगैरह डाली थी ब्राइडल वगैरह की, तो उसके हाँ मैंने कहा पता नहीं जेन्युइन है या नहीं है, थोड़ा सा डाउट सा भी लगता नहीं है। नहीं वो स्किप कर दो, आप हटा दो, वो जेन्युइन है बिल्कुल, लेकिन पे मत करना। वो पे तब करना होता है जब आपका पेज आपको बहुत ज्यादा, मतलब कुछ और पर्पस के लिए हो तब बनाया जाता है। अभी शुरू करने के लिए आप पे मत करना, जब तक आपके ऐसे 5,000 लाइक्स नहीं आ जाते तब तक पे मत करना, ठीक है। ठीक है? तो आप मतलब एक्चुअली हाँ शुरुआत में फेसबुक पेज जो है खुद से ही चलाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है आपने एक बार जैसे फेसबुक पे कर दिया तो वो आपका पेज जो है एडवर्टीजमेंट में बाकी लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या हाँ होता क्योंकि है जिन लोग पे मेरा जो, नहीं करेंगी ना तो वो हाँ जी ऑर्गेनिक रीच नहीं हो पाएगी, मतलब उसके बाद लोगों तक पहुंचना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, उसमें वही है कि आप पे करो, फॉलोइंग दिखा रहे हैं कि आपकी इतनी फॉलोइंग है, मतलब आपको जो सबसे अच्छा तरीका है यूज करने का, आप जो भी पोस्ट डालो उसमें हैशटैग यूज करो फेसबुक ओके पेज पे। और ठीक है फेसबुक मैम। अकाउंट से के बदले आप मतलब अकाउंट आपका है वो अच्छी बात है, लेकिन आप फेसबुक पेज जरूर बनाइए, क्योंकि फेसबुक जरूर। अकाउंट पे देखिए रश्मि जी आप किसी स्ट्रेंजर को ऐड नहीं करना चाहेंगे, है ना, क्यों हाँ आप जी किसी स्ट्रेंजर को अपने प्राइवेट अकाउंट में ऐड करोगे, हाँ हाँ जी लेकिन राइट, फेसबुक पेज में क्या होता है वो पब्लिक पर्पस के लिए ही पब्लिक होता है, हो गया उसमें उसमें कोई भी, हाँ ठीक है। उसमें आप कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे, उसमें आप सिर्फ अपने पार्लर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालेंगे, तो वो कोई भी आके विजिट करेगा उससे आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अकाउंट में लोगों को जोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये जो पूजा गोयल का पेज है, पूजा गोयल खूबसूरत करके है, ये दिल्ली का ही एक पार्लर है। आप, मैं मतलब आपको ये सबको बोलूंगी कि एक बार वो पेज आप देखो फेसबुक पे जाके, वो बहुत जरूर अच्छा पेज बना हुआ है, उस पे 50,000 से ज्यादा लाइक्स हैं। आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो पोस्ट डालते हैं, कैसे वो क्या लिखते हैं, कौन कौन से हैशटैग यूज करते हैं, कौन से आपको यूज करने चाहिए। तो आप एक चीज और कर सकते हो, जैसे आप जिस भी लोकेशन पे हो, जैसे मैं दिल्ली से तो हूँ लेकिन मैं मालवीय नगर से हूँ, तो मैं हैशटैग मालवीय नगर यूज करूंगी, तो दिल्ली में भी मालवीय नगर अगर कोई सर्च करेगा तो उसको मेरा पोस्ट दिखने लग जाएगा। तो आप बस हैशटैग अगर अच्छे यूज करोगे तो पेज अपने आप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है मैम, ज्यादा से थैंक ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। यू। और जैसे अपर्णा जी ने एक चीज और भी बताया था कि पूजा गोयल के पेज पे किसी ने कमेंट डाला था कि मैम आप बहुत अच्छा ट्रेनिंग देती हैं, तो जैसे हमारे काफी सारे ब्यूटीप्रेन्योर्स ट्रेनिंग भी देते हैं ब्यूटी की ट्रेनिंग, तो उस ट्रेनिंग से रिलेटेड पोस्ट भी डाल सकते हैं अपने फेसबुक पेज पे कि मैं ट्रेनिंग देती हूँ, ट्रेनिंग में मैं ये सिखाती हूँ, ट्रेनिंग देते हुए का फोटो आप डाल सकते हो, तो कोई और ट्रेनिंग ले और उसमें हैशटैग ब्यूटी ट्रेनिंग कर दीजिए, तो कोई भी ब्यूटी ट्रेनिंग लेने में अगर इंटरेस्टेड है और वो सर्च करेंगे फेसबुक पे तो उसमें आपका पोस्ट भी दिख जाएगा, तो वो आपको भी ट्रेनिंग के लिए फिर अप्रोच कर सकते हैं, तो आप अपने कस्टमर्स ट्रेनीज जितने भी हैं जो लोग भी फेसबुक यूज करते हैं उन सबको बोल सकते हैं कि आप रिव्यू डालिए मेरे फेसबुक पेज पे, ठीक है, आप मेरे मैं मुझे 4-5 स्टार जो भी आपको मेरी सर्विसेज के हिसाब से लगता है वो डालिए और थोड़ा सा कमेंट डाल दीजिए, ठीक है, आप चाहो तो किसी को डिस्काउंट भी दे सकते हो इस चीज के लिए कि अगर आप मेरा रिव्यू डालोगे तो मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगी, ऐसे भी काफी पार्लर्स वाले करते हैं। और किसी को कोई डाउट हो तो?
मीना जी आप कुछ पूछना चाहती हैं क्या? हेलो हेलो मीना हेलो जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है मैम। मीना जी आपको कोई डाउट है क्या? मैम जब ये पेज बनाते हैं तब वो हम लोग जैसे करते हैं, उसके बाद में जब मैंने ये पेज बनाया उस पर मैंने अपनी आईडी भी डाली, लॉगिन भी किया, लेकिन फिर भी अभी बन नहीं रहा था। अच्छा। बन नहीं रहा था मैम जी। तो आप एक बार या तो पर्सनल एक बार आप पर्सनल समीक्षा पर्सनल देख लेते हैं कैसे, क्योंकि हो सकता है कुछ टेक्निकल। आप अपने अकाउंट में जा पाती हैं? जैसे आप बोल रही हैं आईडी भी डाली पासवर्ड भी डाला, तो मेरे ख्याल से आप अपना अकाउंट नहीं खोल पा रही हैं शायद। अकाउंट खुल जाता है मीना जी आपका? हाँ अकाउंट नहीं खुल पा रहा। अकाउंट नहीं खुल पाया? अच्छा, तो वो आपका ना अपना आईडी पासवर्ड फिर से सेट करना पड़ेगा, ठीक है? या तो आपका पासवर्ड गलत जा रहा होगा इसलिए अकाउंट नहीं खुल पा रहा होगा। तो पहले आपको अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा, फिर पेज फेसबुक पेज उस पे आप बना पाएंगे। ओके ओके मैम। आपको ना हो सकता है पासवर्ड चेंज करना पड़े या कुछ भी, आप देखना कि वो नीचे लिख के आ जाएगा क्यों लॉगिन नहीं हो पा रहा है, कि आपने आईडी गलत डाली है या आपने पासवर्ड गलत डाला है। जो भी आपने गलत डाला होगा वो चीज, अगर पासवर्ड गलत होगा तो चेंज करना पड़ेगा, आईडी गलत होगी तो वो सही डालनी पड़ेगी। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी और का कोई सवाल? नो मैम। ठीक है, थैंक यू अपर्णा जी, आज आपने इतना अच्छा सेशन लिया हमारे। थैंक यू मैम। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप पे लिख के भेज सकते हैं, ठीक है? अपना डाउट हमारे साथ शेयर करिए, हम लोग आपको फेसबुक पेज बनाने में फिर हेल्प करेंगे। ओके मैम, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम।